नमस्कार वाला विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 9 विषय हिंदी चैप्टर नंबर 9 निर्भय बनो स्वाध्यायनु संपूर्ण सॉल्यूशन्स जोईशु। प्रश्न पहलो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पहलू, प्रियोदा को भी को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं? जवाब, प्रियोदा बहुत सेवाभावी लड़का है। प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाए तो प्रियोदा अपने साथियों के साथ उसकी देखभाल के लिए पहुंच जाता है। वह तब तक उसकी सेवा करता है जब तक वह पूरी तरह भला चंगा नहीं हो जाता। अपने साथियों के साथ प्रियोदा बहुत आत्मीय व्यवहार करता है। वह उनके गुणों को विकसित करता और उन्हें निर्भय बनाता है। किसी के बारे में अपशब्द बोलना उसे पसंद नहीं है। इस प्रकार प्रियोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण उसे सब प्यार करते हैं। बीजू, प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम और उनकी विशेषताएं बताइए। जवाब, प्रियोदा के दल के 3 सदस्य मनमोहन, सूर्यनारायण और इब्राहिम। मनमोहन खूब तेज लड़का है। उसका गला बहुत मीठा है। उसे गाने का शौक है। उसके गाने की सभी प्रशंसा करते हैं। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है पर उसका शरीर मजबूत है क्योंकि वह रोज 100 दंड बैठक करता है। वह दल के सदस्यों को तैरना सिखाता है। इब्राहिम को अपशब्द साला बोलने की आदत है। सरकारी अफसरों को साला बोलने में उसे कोई बुराई नहीं लगती। वह दलीलबाजी करता है फिर भी क्लब के नियमों का पालन करता है। त्रिजू, प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती है? जवाब, प्रियोदा की टोली सेवाभावी लड़कों का दल है। यह टोली हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलती है। इसके लिए उसे कस्बे के मोहल्लों में जाना पड़ता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है तो प्रियोदा की यह टोली उसके घर पहुंच जाती है। टोली के सदस्य रोगी के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक उसकी सेवा करते हैं। हैजा जैसी बीमारियों में यह टोली लोगों के लिए वरदान बन जाती है। इस प्रकार प्रियोदा की टोली कई तरह के सेवा कार्य करती है। प्रश्न 4, मनमोहन का तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? जवाब, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी दल के सदस्य सूर्यनारायण को सौंपी गई। सूर्यनारायण रोज 100 दंड बैठक करता था। वह मजबूत शरीर का लड़का था। दल के सदस्यों को वही तैरना सिखाता था। सूर्यनारायण ने कहा कि एक दिन उठकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। 5, इब्राहिम ने किस बात के लिए माफी मांगी? जवाब, प्रियोदा के दल का नियम था कि कोई सदस्य मुंह से किसी प्रकार का अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने सब डिप्टी साहब के अर्दली के लिए साला अपशब्द बोला था। इस तरह उसने दल के नियम को तोड़ा था। प्रियोदा के होल्ड कहने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए अपनी गलती के लिए उसने माफी मांगी। छठू, अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था? जवाब, प्रियोदा वाणी के शिष्टाचार को महत्व देता था, इसलिए उसने यह नियम बनाया था कि दल का कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली अपने मुंह से नहीं निकालेगा। अपशब्द या गाली देने पर होल्ट बोलकर उसे चेतावनी दी जाती थी। 10 से अधिक बार अपशब्द या गाली मुंह से निकालने पर क्लब के सदस्य उसका साथ छोड़ देते थे। इस प्रकार अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का कठोर नियम था। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-1 वाक्य में लिखिए। पहलू, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते हैं? जवाब, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते थे। बीजू, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? जवाब, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। त्रिजू, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिखा? जवाब, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिखा।
चौथों, पक्षी को गोली किसने मारी थी? जवाब, पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी थी। पांचवों, प्रियोदा के मुंह से होल्ड शब्द क्यों निकला? जवाब, साला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से होल्ड शब्द निकला था। छठू, सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? जवाब, सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। प्रश्न तीन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए। पहलू, कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? जवाब, प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया मांग कर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उसके अच्छे होने तक उसकी सेवा करते थे। उनके इसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे। प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती है? जवाब, शनिवार को स्कूल के छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती है। खेलकूद, गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। त्रिजु, मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्या नारायण ने क्या कहा? जवाब, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्या नारायण को सौंपी गई थी। इस बारे में उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? जवाब, प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? जवाब, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे उस रास्ते ले गए जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहां पहले मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहां आसपास के पेड़ों पर अब भी भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियां झुंड बनाकर नाचती है। पांचवों, पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? जवाब, प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत रहा था। छठू, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? जवाब, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है, जो खुद भूत है उसे दूसरे भूत से क्या डरना। सातवां, प्रियोदा की टोली का रविवार क्यों क्या कार्यक्रम होता था? रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाती थी। इसी तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने जाते थे। प्रश्न चार, निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहलू, सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। उत्तर, प्रियोदा और उसके साथी बहुत देर तक बातें करते रहे। धीरे धीरे शाम होने को आई, सूर्य पश्चिम दिशा में डूबने की तैयारी करने लगा। बीजू, दस और देश का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है? उत्तर, दस का और देश का काम करने वाला को समय असमय यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। वह न दिन देखता है न रात, जो करना है उसे करने चल पड़ता है। कभी पर भी कोई किसी भी रास्ते में जाने में वह नहीं डरता। इस तरह वह खुद भी भूत बन जाता है। तुमको भी दस और देश का काम करने के लिए इसी तरह भूत बनना है, इसलिए तुम्हें निर्भय बनना चाहिए। राम रहीम न खुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। राम और रहीम दोनों एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। दोनों को अलग अलग समझना भूल है। मन की पवित्रता जरूरी है। मन पवित्र हो तो राम और रहीम का भेद अपने आप मिट जाता है। चौथू, भोला गरीबक दिन पहिया हरब भोला। यह उदाहरण आंचलिक बोली का होने से और इकाई में इसका सीधा संदर्भ न मिलने से यहाँ उसका उत्तर नहीं दिया गया। पांचवा, सही जोड़े मिलाइए। अ अने बमा, मनमोहन तो एनी सामे आवशे मैट्रिक का विद्यार्थी। बीजू,
प्रियव्रत राय, तो इन मनमोहक नी सामे आवशे हेजे से डरने वाला। प्रियव्रत राय नी सामे आवशे चौथू मैट्रिक का विद्यार्थी। सूर्य नारायण नी सामे आवशे पहलवान। अने डिप्टी का अर्दली की सामने आवशे खचड़ा। अने परमान नी सामे आवशे एक नदी। प्रश्न छ, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहलू, दूसरों के लिए हुए उपकार को मानने वाला, तो एनो जवाब आवशे कृतज्ञ। बीजू, दूसरों के लिए किए गए उपकार को न मानने वाला, तो एनो जवाब आवशे कृतघ्न। त्रीजू, मुर्दों के चीर फाड़ की जगह, उसे कहते हैं पोस्टमार्टम हाउस। चौथू, जहां बीमारों को भर्ती करके इलाज होता है, एनो जवाब आवशे अस्पताल। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सुबह तो प्रभात, शाम तो साज, सांझ दल तो जून, कमजोर दुर्बल, मकान तो घर। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। गरीब तो जवाब आवशे अमीर, प्यार तो नफरत, त्रीजू स्वस्थ तो अस्वस्थ, गलत तो सही, अने पांचमू उजरा तो हरा भरा। थैंक यू मित्रों।